क्या कर रहे है? अंदर तो भाई ने इतना किए मेरे लिए कि इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है और इन्होंने मुझे खुद दिया है हर चीज पैक करके। चलो एक चावल दे देता हूँ, दोनों खा लेना ठीक है। यार कितना प्यारा लग रहा है यार ये, बिल्कुल वो देखो हमारे पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं, मिसालों के पास अपना अपना खाने को नहीं और हमें इनवाइट करें इफ्तारी के लिए। खत्म शुआ आओ। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। सो आज मैं और अरसलान हम दोनों जा रहे हैं एक बहुत अच्छा काम करने के लिए, बताने से ज्यादा मजा देखने में। सो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वजह से यार पहले उठे हो, हाथ मिला लो ना, इसलिए तो यार मेरे दोस्त हो यार। अच्छा वो हो गया, बन गया वो। अच्छा मैं वो ले ना, पार्सल ले ना वो सामने से डब्बे। हाँ बस मैं लेके आता हूँ, आप तब तक उसको ना खोल ले, कर डब्बे में पैक करना है। नहीं डब्बे में मैं खुद कर दूंगा पैक। बॉक्सेस चाहिए? हाँ बस ये सही। कितने? ये 100 दे दे। कितने की पड़ेगी ये मुझे? दर्जन में पड़ता है 12 रुपए का। 100 का आप ले रहे हैं, 10 रुपए का लगा लेना, 1000 रुपए का 100 पड़ेगा। और कम नहीं हो सकता? सोच तो यार। अच्छा चलो दे दो। ठीक एक और सब्सक्राइबर बढ़ गया भाई। और हान खान व्लॉग्स। हाँ ये इसको पहले ना सब्सक्राइब कर देते हैं और ये बेल का जो है ना आइकॉन भी हम दबा देते हैं, तो अभी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। फसल वगैरह हमारे आ गए हैं और साथ में कुछ रबर बैंड वगैरह भी उठा लिए। इसको फिर यही पे ना डालें, क्या बोलते हो? यहाँ पे डालने तो आपको बेहतर हो जाएगा। 3 बजे के क्या फायदा हमको खाने का? नहीं मैंने हिसाब लगाया ना टाइम का, मैंने कहा अभी अच्छा खासा टाइम है, ये रबड़ इसके ऊपर बांधेंगे ना, ऐसा ना वो गाड़ी बेग पे गिर ना जाए ना। शॉपर वगैरह भी ले लिए और सलान भाई का कोई अता पता नहीं, कह रहे थे कि मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ। एक तो इसकी सारी उम्र सब्जी लाने में गुजर गई है और तकरीबन इन लोगों ने भी आधा काम खत्म कर दिया है, बस अभी सिर्फ बॉक्सेस को डालना होगा शॉपर में। तो इनको शॉपर में भी डाल लिए और तकरीबन चावल भी खत्म हो गए, बॉक्सेस भी सारे पैक हो गए हैं और अभी हम इनको डाल लें शॉपर में। तकरीबन बॉक्सेस भी बन गए और सब कुछ हो गया, बस उसको गाड़ी में डालना रह गया, अभी हम इनके साथ करेंगे उसके बाद हम उसको गाड़ी। है भाई ठीक बोल रहा हूँ ना? ये भी आगे हो जाती है। हाँ ये भी हो जाएगी, एक मिनट ये मैं वो उठा लूँ ना, किस ये हटा लेते हैं ये। वैसे मेरा तो प्लान ये था कि मैं खुद इसको पैक करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन शुक्र है उस चीज़ से मैं बच के, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उसके अंदर। तो भाई ने इतना किए मेरे लिए कि इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है और इन्होंने मुझे खुद दिया है हर चीज़ पैक करके, तो बॉक्सेस में भी डाल दिए, शॉपर्स में भी डाल दिए, बस अभी हमारा काम इतना रह गया कि हमने जस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। आप उधर ले जाते सारी चिकन टूट जाते फिर डब्बे काम। हाँ ये आपने हिसाब से बनाते हैं पूरा, ये आपने अच्छा किया यार, थैंक यू सो मच। कितने चाहिए? कितने? 10-20। अच्छा सही, अब मैं 10-20 ही दूंगा। नहीं नहीं चावल दे दो। नहीं नहीं अब तो मिलेगा तो 10-20 ही मिलेगा। अच्छा चलो एक चावल दे देता हूँ, दोनों खा लेना ठीक है। सच बोल रही है झूठ बोल रही है? अच्छा सच बोल जी। मैं आपको क्या लगता हूँ, अंकल लगता हूँ मैं आपको? नहीं भाई लगते हैं। हाँ तो भाई बोलो ना यार, वक्त से पहले तुम लोगों ने मुझे अंकल बना दिए हैं। एक आप पकड़ लो, अल्लाह आपको इनकी सवाब बहुत अता फरमाए। ठीक हो गया, सबसे पहले आप दोनों को दिए ठीक है, स्टार्ट आप लोगों से किए। आमीन आमीन ठीक है जी, ओके बाय बाय।
अभी सलाम से मेरी बात हुई है तो वो कह रहा है कि मैं गेट पर हूँ और मैं पहुँचने वाला हूँ, तो बस अभी उसका वेट करते हैं। तकरीबन सब कुछ तो हो गया और अब हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी सही जगह पर। एक बजे का बोल के तो तुम इन भाई को बोलो 4 बजे आ रहे हो। कितना प्यारा लग रहा है यार ये, बिल्कुल वो अच्छा नहा क्या है आज? अब माशाल्लाह बाल आपके बिल्कुल बता रहे कि आज आप नहा के आ रहे हो यार, क्या चाल है भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतने सूटेड बूटेड होके क्यों आए? ये तो शुक्र करो उनसे मैंने पैक सब कुछ करवा लिया, वरना इस हालत में आप पैक करते हुए बुरे लगते हैं आप। मैं फिर क्यों बुलाया भैया यार? मैंने इस तरह नहीं किया ना, मेरी बात सुनो, हम सारे इसको डालेंगे पैक करेंगे तो उसके ऊपर टाइम भी लगेगा, दूसरा है कि हमें डालना भी नहीं आता, पैक ये लोग नहीं करते, लेकिन मेरी तो उनके साथ जान पहचान है तो उन्होंने सारा कुछ खुद ही कर, तकरीबन 100 के करीब बॉक्सेस बन गए। तो और क्या चाहिए भाई, कुछ भी नहीं, दुआएं चाहिए। इसके मुंह में पानी आ रहा है। हाँ क्या हुआ भाई, स्टार्ट नहीं हो रही? चाबी टूट गई। अब इनको मैं एक मैजिक दिखाता हूँ, ये गाड़ी मेरी चाबी से भी स्टार्ट हो जाती है। नहीं होगी। होगी तो नहीं होगी, इसको हिला नहीं होगी बेटा। मैंने पुराना जमाना था, पुराना जमाना था वो। मैं अपने दादाबू की 95 मॉडल किसी भी चाबी से स्टार्ट कर लेता, और वो जो मेरी वाली थी ना सिविक, उसको भी मैं किसी भी चाबी से स्टार्ट कर लेता। खराब थी सारी, ये तुमने जब नहीं बेची थी तब बताना था, बेच के बता रहे हो क्या फायदा? ये शुक्र है बेच के स्कैमर स्कैमर। हाँ मेरे पास होती और मैं बता देता फिर तो काम, फिर तो तुम्हारे पास नहीं होती ना। हाँ यही बात है ना। एक और मजे की बात, ये वाली गाड़ी भी बेचती है। यार इसको बनवा लेते हैं ना, ये साथ ही तो है चाबी वाला, बनवाई भी हमने इसी से थी। आप क्यों यार लेट आए अरसलान? वैसे मैं, मुझे इस बात के ऊपर ना बड़ा गुस्सा आता है कि जब कोई बंदा मुझे 12 बजे का बोलता है और आता 4:30 बजे। सबसे पहले आपको अपने काम खत्म करने चाहिए, घर के दो काम थे बताना। अच्छा मैंने अपने सारे काम इसके लिए छोड़े हुए। बस यार एक दो जरूरी काम था ना, वो करवा रहे थे। ले लो, पूरे रमजान का ये फायदा है, ये बड़े शरीफ आदमी है। नहीं, इनके पास तो मैं आता रहता हूँ, ये तो दोस्त है मेरे। दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही ले गए कि गेहूँ की चेन। हाँ क्या दोस्त, अभी बनवाऊंगा फिर याद रखना। हाँ ताबेदार, ऐसी छोटी छोटी बातें ना किया करो यार, बड़ी बड़ी बातें किया करो। माशाल्लाह क्या कर रहे भाई, जान ला बलास था कि बरेदा था बदिया खाकी। बस मैं यार इसको करवाना चाहिए। इससे पहले भी दिए, इससे पहले भी दिए। यार आपको दे दिए ना, वो उधर फैमिली को दे रहे, वो चचा को दे दो, वो चचा बैठा हुआ है वो। एक इनको दे दे, एक दे दे वर्क 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 प्रॉब्लम वर्क। 2 दाने दे 3 दे रहे, बल्कि लली 3 निकाल यो बलम वर्क का दे देना चाचा, बाकी चाचा दे दिए ना, बस इनको दे 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 बस जी बस। दगल और का चाचा लवर का, हां हां चाचा लवर का।
दले वर्क वर्क गार्ड रे गार्ड जल्दी कर एक दूसरे से ना छीन रहे होते हैं यार ये लोग ये इनके है। काम है ना सबर नहीं है रोज़े बिल्कुल भी सबर नहीं है गाड़ी को उल्टा मार रहे होते हैं मुझे लगा एक बाइक अच्छा इधर एक आंटी बैठी हुई होती है ये आंटी बैठी हुई है इनको जा देख और का चाचा एक और देखिए भी चाचा मिली देखिए भी देखिए भी देखिए अच्छा अभी हम लोग रोक रहे हैं गाड़ी को तो सारे लोग आ जाते हैं भाग भाग के और फिर जिसको नहीं मिलता तो वो शीशे मारता है गाड़ी को मारता है दो दो तीन तीन चाहिए होते हैं लोग हाँ और हर बंदा दो दो मांग रहा होता है तीन तीन मांग रहा होता है यार जितनी भी तो यार ये आंटी को दे दो एक निकाल ये नहीं ये सारे लोग हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आधे से ज्यादा हमारी चीजें खत्म हो चुकी हैं लेकिन अभी जो बच चुकी है ना ये हम कोशिश करेंगे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना तसरखन वाले जैसे ये लोग हैं हम इनको दे देंगे इंशाल्लाह अभी देखते ना जिनके पास सामान हमें कम नजर आए या कुछ हुआ ना तो हम उनको ये चीजें दे देंगे क्यों फरहान भाई यही बात है सही बात है अभी टाइम भी तकरीबन होने वाला है तकरीबन 7 मिनट रह गए उन भाई को दे वैसे कुछ चा? अली दे दो डब्बे दे क्या दो नहीं तीन चल दो दे दे दो तीन दे दे चल तीन दे दे जा देखो हमारे पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं मिसारों के पास अपने अपने खाने को नहीं और हमें इनवाइट करें अफ्तारी के लिए दो नहीं तीन है ये रुक जा अली तीन मिनट अच्छा चलो अजान चलो खत्म से आओ नमस्ते ब्रो बिल्कुल नहीं आओ आओ उधर देखो कोने में नहीं नहीं खत्म हो गया बस चलो भाई चलो घर चले यार जी फरहान भाई बस हो गया यार शुक्र है अच्छा मेरे ख्याल से ना हमने बड़े आज जबरदस्त लोगों को दिए मतलब जिन जिन को थी ना जरूरत उनको हम लोगों ने दिए कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि यार पाकिस्तानी में सबर नहीं है कुछ लोगों में यार एक बंदा दो दो पार्सल लेके भी कह रहा है यार मुझे दो अफ्तारी का टाइम है अब चलते हैं हम लोग अभी हम अपनी अफ्तारी भी कर लेते हैं केना सुन सो इस वक्त हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह पढ़ ली है अफ्तारी पढ़ ली है इस वक्त हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह कर ली नमाज वगैरह भी पढ़ ली है खैर आज का जो हमारा था एक छोटा सा मिशन था तो वो हमारा पूरा हो गया मिशन कंप्लीटेड और अभी हम लोग जा रहे हैं ये लाइट्स वगैरह लगवाने के लिए अरसलान भाई की गाड़ी पे अरसलान भाई को हम यही बात समझाते रहते हैं कि भाई इस गाड़ी के ऊपर लगाने का कोई भी फायदा नहीं है कभी नए टायर कभी रिम हाँ हाँ स्पीकर कभी रिम लगाता है कभी टायर इससे कुछ नहीं होता ये गाड़ी बदसूरत है सात बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज बड़ा मजा आया और पता नहीं अजीब सा दिल को सुकून मिला आपको पता है माशाल्लाह माशाल्लाह और जी अली आप ऊंचा बोलो ना बिरयानी नहीं मिली गाड़ी की लाइट्स वगैरह लगवाने के लिए और आज मेरी गाड़ी का आखिरी दिन है मेरे साथ तो कल से मेरी गाड़ी भी नहीं होगी क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है तो
इंशाल्लाह उर्दू में बोलते हैं कि फरोख्त कर दी। हाँ उर्दू में इसको बोलते हैं कि हमने गाड़ी फरोख्त कर दी है, तो मैंने अपनी गाड़ी फरोख्त कर दी है। फरोख्त से ऐसा लगता है जैसे हमने खरीदी हो, फरोख्त है ना, लेकिन लोग इसको बेचना बोलते हैं ऐसे ही। ये क्यों? तो बेचने को असल उर्दू में क्या बोलते होंगे वो जो शाबाश बेटा। व्हाइट लगाओ, व्हाइट कैसी लगती है वैसे? लगा ले ना, व्हाइट लगा लिए। मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा था। वैसे इसको ट्राई कर लो, अगर सही लगती है वेल एंड गुड। YouTube चैनल नहीं खोल के दिया आपने? इसमें खोलो ना यार, लिखो ना फरहान खान। इतने पढ़े लिखे तो अगर ऐसे थोड़ी होती। नहीं, ये भी लिख लिया, मैं लिख लेता हूँ यार। देखा आगे देखो, आप लोगों के पास जाते हो, हमारे पास टिकटॉक स्टार जो है ना खुद आते हैं मिलने, ठीक है? हाँ क्या उस्मान, क्या बात कर दी है यार। आपको खुश रखे और बाकी मेरे लायक कुछ है तो बताओ, बस अगर 2,000 रुपए है तो मुझे दे दो। आपकी दुकान ले दो। इस टाइम इन लोगों ने मुझे घर छोड़ दिया और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेने थे अबू के, तो वो मैंने उठा लिए और मैं अपनी लाइटें वापस लेके घर पहुंच गया हूँ और अब घर का गेट खोल खोलेगा। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आज का व्लॉग कैसा था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।